नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। जिला देवास के खाते गांव में भाजपा किसान मोर्चा ने गुरुवार दोपहर 12 बजे बस स्टैंड थाना परिसर के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। 70 दिन होने को है, प्रदेश सरकार ने किसानों से झूठे वादे किए कि हम 10 दिन में उनका कर्जा माफ कर देंगे। ना ही उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया, इसी कारण आज हमने आंदोलन करने के लिए उतरना पड़ रहा है। तो वही प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे और इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा ने भी अपने संबोधन में प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ देते हुए 7 दिन में अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 7 दिन के बाद हम प्रदेश सरकार को जगाने के लिए खातेगांव से भोपाल तक पैदल मार्च निकालेंगे और किसान का हक दिला कर रहेंगे। और इसलिए किसान के दुख को सर्वोपरि रखकर उसकी चिंता करने का काम पिछले 15 वर्षों तक मध्य प्रदेश में कोई सरकार करती आ रही थी तो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार करती आ रही थी। निश्चित तौर पर लगातार काम करते रहने के कारण मध्य प्रदेश के किसानों ने बार बार इस सरकार को अपना आशीर्वाद दिया। न सिर्फ किसानों ने बल्कि समाज के हर वर्ग ने मध्य प्रदेश में बारंबार शिवराज जी की सरकार बनाई। लेकिन इस बार कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई, भारत माता की इस बार कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई। खातेगांव से श्रवण पवार की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।